नमस्कार, आप देख रहे हैं जोधाणा अब तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। शेरगढ़ चिकित्सा विभाग जोधपुर संभाग के संयुक्त निदेशक जोगेश्वर प्रसाद नारवारा के 53वें जन्मदिवस पर जीत शिक्षा सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय शेरगढ़ में पौधारोपण व विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जोगेश्वर प्रसाद नारवारा के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में 105 युवाओं ने रक्तदान कर जन्मोत्सव की बधाइयां व शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के आयोजक जी शिक्षा सेवा संस्थान के अध्यक्ष व संस्थापक डॉक्टर प्रताप ने बताया कि संस्थान हमेशा समाज सेवा को लेकर तत्पर है। संस्थान ने संयुक्त निदेशक डॉक्टर नारवारा के जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविर व पौधारोपण करवाकर मिसाल पेश की है। आधुनिकता की होड़ में लोग जन्मदिवस पर कई महंगे खर्चीले कार्यक्रम करते हैं, लेकिन उनसे समाज को क्या मिलता है? इस प्रकार पौधारोपण या रक्तदान करने से किसी को नई जिंदगी तो मिलेगी। इस अवसर पर चिकित्सा विभाग जोधपुर जोन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जोगेश्वर प्रसाद नारवारा ने बताया कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे जन्मदिवस पर रक्तदान हुआ। उस रक्त के कतरे से किसी की जान बचेगी। मेरा यह शुरू से विचार रहा है कि अपन जो कुछ कर रहे हैं उसके बदले में किसी को लाभ हो। मैं लगातार तीसरी बार जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविर व पौधारोपण करवाता रहा हूँ। इस बार मेरे जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित करने में जीत शिक्षा सेवा संस्थान का व समस्त ग्रामीणों का भरपूर सहयोग रहा, जिसके बल पर आज सफल रक्तदान शिविर आयोजित हो पाया है। मैं चाहता हूं कि सभी देशवासी अपने जन्मोत्सव को पौधारोपण रक्तदान शिविर आयोजित कर सेलिब्रेट करें तो हमें खुशी होगी। हमारे संस्थान के द्वारा डॉक्टर जोगेश्वर प्रसाद नारवारा चिकित्सा विभाग जोधपुर के संयुक्त निदेशक एवं संसद के जीत शिक्षा सेवा संस्थान के संचालक देव ने जरूर रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम में आयोजित किया गया, जिसमें 110-111 लोगों ने जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस संस्था को, आपके इस संस्थान को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर को बधाई। हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर निदेशक चिकित्सा संस्था के बाद जोधपुर। आज 53वें जन्मदिवस पर यहाँ पे प्रदर्शन का एक कैंप रखा गया था, जिसमें लगभग 111 लोगों ने जो है अपने प्रदर्शन किया। इसके लिए मैं जो जीत शिक्षण संस्थान, जिसने कि इसमें हमारा सहयोग किया, उसके सहयोग से ही हो पाया जीत शिक्षण संस्थान। और शेरगढ़ के जो आम जनता जिन्होंने की जिनके सहयोग से ही कैंप सक्सेसफुल हो सकता है, उसके लिए मैं तहे दिल से इन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जो मेरे जन्मदिवस पे ये तीसरा कैंप हुआ है, और अभी आज भी 111। फिलहाल के इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे जोधाणा अब तक न्यूज के साथ। नमस्कार।